आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत एस्ट्रे न्यूज के साथ, जहां इस कोरोना महामारी में किस तरीके से वह अपनी शहर की जनता की भलाई के लिए दिन रात लगे हुए हैं, क्या क्या रणनीति बनाई है इस लॉकडाउन में लोगों की सारी सुविधा उन तक पहुंचाने के लिए, इसके विचार अपने साझा किए। एक अफवाह उड़ रही है कि जैसे कि लेटर पैड पे डीएम को हटाने की बात करी जा रही है और भाजपा में कुछ लोगों को मतभेद बताया जा रहा है, कल सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ कि डीएम हटा दिए गए हैं। मुझे इन प्रकार की बातों के लिए कोई समय नहीं है। मैं सुबह से लेकर आपकी बाइट के लिए मैं आ गया था जी। सुबह से लेकर शाम तक केवल राशन कार्ड, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए उसमें पूरा दिन बिजी रहता हूँ। 401 हो गई है संख्या, पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का अपना विवेक है, उसके पास तमाम एजेंसी है, पॉलिटिकल लोगों के अलावा उनके पास इंटेलिजेंस के लोग हैं, LIU हैं, उनके पास अपना संगठन है, उसके माध्यम से वो फीडबैक ले सकते हैं। दूसरा, मैं इसमें किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आलोचना समालोचना में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सभी लोगों को सकारात्मक रूप रख करके इस महामारी से बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 400 हो रहे हैं, आगरा की हिस्ट्री दूसरे हिसाब की है। यहाँ पर शुरू में आपने देखा होगा कि इटली के टूरिस्ट, उनको दिल्ली भेजा गया आइसोलेशन में, हमारे यहाँ संक्रमण उनकी वजह से नहीं बढ़ा। फिर एक फैमिली इटली गई थी, वो सब पॉजिटिव निकली लेकिन अब सब निगेटिव है। एक लड़की जिसकी रेलवे ऑफिसर की बेटी थी, उनके फादर को इतनी सख्ती बरती गई कि छुपाने के चक्कर में उनके फादर को सस्पेंड किया गया, लेकिन आज वो भी निगेटिव है। हमारे यहाँ अचानक टर्निंग पॉइंट आगरा में आया जब निजामुद्दीन मरकज से तबलीग जमात के लोग केवल आगरा को नहीं पूरे हिंदुस्तान में गए। जब तेलंगाना में एक मौत हुई तब देश को पता चला कि तबलीग जमात की वजह से हुई है। तेलंगाना पहुंचने में टाइम लगा होगा लेकिन आगरा वो लोग वहां से डिस्पर्स होने के बाद 3 घंटे में आ गए। अपने बड़े खानदान को उन्हें संक्रमित किया और उनको शुरू में यह भय था कि हम कैरियर के रूप में पाए जाएंगे तो हम पर कोई मुकदमा पंजीकृत ना हो। मैंने तब भी राष्ट्रीय चैनलों तक से अनुरोध किया था कि आगरा के मुस्लिम भाइयों, आप पर कोई गैंगस्टर गुंडा या किसी प्रकार का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, ये आप तो मन से नहीं फैलाइए। आप संक्रमित होंगे, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आप प्रशासन के सामने आइए, अपनी सूची दीजिएगा, तुरंत अपना टेस्ट कराएं और अपने दिमाग पे जोर डाल के कितने लोगों के आप संपर्क में आए हैं, फिर वो अपने। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि जब हम प्राइमरी को तब पकड़ पाए जब वो टर्सरी में फैल गया, कैमोफ्लाइज जिसको कहते हैं, छुपाने की वजह से, कंसील करने से, छुपाने की वजह से। फिर उरी कैरियर जो तबलीग के लोग थे ये निजी अस्पतालों में गए, फिर निजी अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ, उदाहरण के तौर से अगर कोई आदमी 2 दिन एडमिट होगा तो 8-8 घंटे की ड्यूटी पर 3 नर्स उसको देखेंगे, कंपाउंडर देखेंगे, सफाई कर्मचारी देखेंगे, बीपी लेने वाला डॉक्टर देखेगा, फिर वो अपने परिवार को संक्रमित करेगा, परिवार सोसाइटी को करेगी। तो जितना तबलीग जमात से हमारा हुआ उतना ही मैं तो खोल के नाम लेता हूँ कि पारस अस्पताल ने केवल आगरा को संक्रमित नहीं किया है बल्कि मेरी टुंडला विधानसभा जहाँ से मैं मिनिस्टर रहा हूँ वहाँ 9 पॉजिटिव हैं, तो 8 की हिस्ट्री पारस की है। तो दो, इसके 2 रूप हुए, जब आगरा, आगरा की मेडिकल हब आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज तक को ठीक करता है तो कोई चीज़ गलत गई वो भी 6-7 जिलों में गई। तो ये हमारे यहाँ अब हमने व्यवस्था ये की है। अब ये आप अगला बात करेंगे कि क्वारंटाइन से कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, अब ADM की देखरेख में क्वारंटाइन रहेगा और एक BDO को सस्पेंड किया गया है। एक मुझे भी वीडियो मिला था, मैंने PGI उसकी पत्नी रो रो के कह रही है मेरे पति को दवाई नहीं मिल रही है, मैंने PGI की VC से बात की और डॉक्टर ग्रंथ ने देखा और उसको केवल 104 शुगर थी और पत्नी ने यहाँ रो रो के बुरा हाल कर रखा था। इस समय भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, लोग पैनिक में ना हैं। जो लोग हैं कल आज भी अग्रसेन में काफी 48 लोग हैं, वो भी आज बैठे हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि काफी दिन हो गया है उनको क्वारंटीन किया हुआ, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच करने के लिए कोई ना आप ना मैं जी और ना वो तय कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट लोग जानेंगे 14 दिन रखना है या 28 दिन रखना है। मैं हर प्रकार की सिफारिश करूंगा लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली और किसको कहाँ रखना है और कितना रखना है, इस मामले में मैं चूंकि मेडिकल साइंस के मामले में 00 हूँ इसलिए मैं उनके विशेषज्ञों के ऊपर ही इस बात को छोड़ूंगा। कहाँ है फूड एंड सिविल सप्लाई की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सब्जी की दिक्कत है, दूध की दिक्कत है, आई विल कंसिडर, लेकिन इसके विशेषज्ञ लोग ही जानेंगे कौन कितने दिन रखना है, कब किसका टेस्ट करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि आगरा होटलों का शहर है, आगरा मैरिज होम का शहर है, आगरा निजी अस्पतालों का शहर है,
हमको क्वारंटाइन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बाथरूम शेयर ना करें लोग, तो हमारे पास 30,000 से लेकर 50,000 तक छोटे बड़े मंजिले कमरे हैं और हर कमरे में लैट्रिन बाथरूम जरूर अटैच होता है। हो सकता है उसमें एसी ना हो लेकिन पंखा होगा, टेलीविजन एक होगा और वो होगा। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अब आगरा के लिए बनानी चाहिए कि अब हम क्वारंटाइन करें तो उसमें पैनिक लोग ना हो। लेकिन जैसे अग्रवन है, अग्रवन में बहुत पैसे वाले लोग भी शादी करते हैं, 5-star टाइप का है जी। जिस हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है वहाँ 600 बेड की क्षमता है और 35-40 है। भोजन लेते हुए की भीड़ को या उस पैनिक को आप लोगों ने दिखाया है जिसने भी डाला है, लेकिन अंदर 600 लोगों की, कितनी बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको 3 घंटे में तो हम घूम पाएंगे सारी फैकल्टीज उसमें है। मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगा, इस समय हम भोजन से लोग नहीं मरते हैं, संक्रमण से जरूर मरते हैं। इसलिए 80 करोड़ लोगों के पास इस देश में राशन कार्ड है। अब नहीं है तो जो पात्र व्यक्ति हैं, मैं आज के अखबारों में मैंने अपील की, मैं कल पंजाब ले गया, जिनके राशन कार्ड नहीं है कृपया आप मेरे घर से या हमारे पदाधिकारियों से राशन कार्ड लें, भर के हमारे यहाँ भेज दें, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे को व्हाट्सएप पे कर दें और उसको उसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। हमने प्रशासन से बात कर ली है क्योंकि तहसीलदार उपलब्ध नहीं है, हम एफिडेविट भी नहीं दे सकते क्योंकि स्टाम्प अवेलेबल नहीं है। इसलिए एक सादा कागज में केवल लिखना है कि राशन कार्ड के फॉर्म में भरी हुई जानकारी मेरी अनुसार सही है, अगर कोई गलती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खंडौली ब्लॉक में सप्लाई इंस्पेक्टर बैठा हुआ है और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो तो ऐसे खंडौली को मैंने कहा है कि 1 किलोमीटर तक गोल गोल घेरों पर लोगों को खड़ा करें, क्योंकि राशन कार्ड वो है कि लॉन्ग टर्म में से में दो ही बातें हो सकती हैं, खाते में पैसे हो और राशन कार्ड हो। सरकार का काम है राशन विक्रेता से 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ दिलाने का। तो ऐसे हजारों की संख्या में पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने आज तक राशन कार्ड नहीं बनवाया था, हजारों की संख्या में वो लोग हैं जिन्होंने बैंक में खाता नहीं खुलवाया। तो जब प्रधानमंत्री ने 7 साल पहले कहा था 0 बैलेंस का खाता तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई थी, आज वही पैसा तो वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, विधवा पेंशन वहाँ जा रही है, विकलांग पेंशन वहाँ जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन वहाँ जा रही है, गैस की सब्सिडी वहाँ पर जा रही है, किसान का जो किसान स्वाभिमान सम्मान निधि है वो वहीं पर जा रही है। तो आपको बता दें 2,000 रुपये किसानों के निधि में जा रहा है, 500 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहा है, 1,000 मजदूरों के में जा रहा है। आगरा में 65,000 श्रमिक रजिस्टर्ड हैं श्रम विभाग में, ऑनलाइन एक ऐप है वो 3 महीने की तनख्वाह विड्रॉ कर सकते हैं एडवांस में, अथवा अपना प्रोविडेंट फंड का 70% प्रोविडेंट फंड ले सकते हैं। तो इस समय भय भगदड़ भ्रम में ना आए, पैनिक में ना आए, कोई नहीं चाहता बीमारी, अफसर हो या मंत्री हो या संतरी हो, कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं इस वैश्विक महामारी से हम बचें। लेकिन जैसे आज नामनेर के केस की मैंने स्टे की है, वो एक्साइज विभाग में था, फिरोजाबाद से वो ले आया, अगर वो सोशल डिस्टेंस वहाँ रख रहा होता किसी पॉजिटिव से तो आज नामनेर को वो पॉजिटिव नहीं कर पाता। तो ये सोशल डिस्टेंस जुमला नहीं है, बेसिकली आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने की बात कर रहे हैं और आपकी तरफ से पूरी सुविधाएं दी जा रही है राशन कार्ड के लिए यहाँ से फॉर्म। मैं दो चीज़ें हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरे से कहा था कि जिनके राशन कार्ड ना बनवाएं, तो वो राशन कार्ड अभी 5300 लॉकडाउन में हमने बनवाने का काम किया है, लेकिन ये आगरा के अनुसार पर्याप्त संख्या नहीं है जी। इसलिए अधिकारियों से कहना चाहूँगा और जनता को बताना चाहूँ कि आगरा शहरी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो फॉर्म भर के नगर निगम में देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम को नोडल एजेंसी घोषित किया है, देहात में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जिसको जिला पूर्ति अधिकारी करता है वो करेंगे। तो हम अपनी अत्मापुर विधानसभा में खंडा लिए तो आज सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजा है वहाँ पर कराने के लिए। बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ब्रांच मैनेजर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन लंबा भी चल सकता है तो आप खाता खोल दें, वो लोग हैं उनसे गलती हुई उन्होंने खाता नहीं खुलवाया, लेकिन उनके खाता खोलें और राशन कार्ड वाले राशन कार्ड बनवा दें, फिर भूख से कोई नहीं मरेगा ना कभी कोई मरा है, संक्रमण से बचती है, संक्रमण से बचने के लिए दूरी बना करके रखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।